बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू, स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए आज करेंगे एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस, कंटिन्यूअसली 10-12 सेंटेंस इसको बोलेंगे, बिल्कुल नेचुरली उनको इंग्लिश में बोलेंगे तो भाई नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू, और ऑल्टरनेट साथ के साथ देखते हुए चलेंगे कि इन बातों को और कितने तरीके से कहा जा सकता है, सेंटेंस को कितने तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है। ऑलराइट, सो पहला सेंटेंस है हमारे पास में, जैसा कि आपको पता है रमजान का महीना चल रहा है। देखिए बेसिक एक तरीका ये है, एज यू नो जैसा कि आपको पता है इट्स द मंथ ऑफ रमजान, इट्स लगा के हमने अवस्था बता दी, एज यू नो ये रमजान का महीना है, इट्स द मंथ ऑफ रमजान। लेकिन जब हम प्रोग्रेस बताते हैं कोई चीज चल रही है तो हम गोइंग ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज यू नो द मंथ ऑफ रमजान इज गोइंग ऑन। आप ऐसे कह सकते हैं एज यू नो द मंथ ऑफ रमजान इज गोइंग ऑन, या फिर एज यू नो इट्स द मंथ ऑफ रमजान। राइट, देखिए एक आपने कई बार देखा होगा ये जो इट्स है वो इट्स होते हैं, दोनों का प्रोनंसिएशन सेम ही होता है। देखिए एक ये वाला इट्स है, यहां पर आपको कॉमा मिलेगा देखने को, और एक दूसरा वाला इट्स होता है जिसके अंदर आपको कॉमा नहीं मिलता है देखने को। देखिए इन दोनों के अंदर बस छोटा सा फर्क है। देखिए ये वाला जो इट्स है ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज और इट हैज का, जहां ऊपर कॉमा आपको मिल जाए वो या इट इज है या फिर इट हैज है। देखिए इनको हम एक दो सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, फर्क समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सी इट इज वेरी इजी या फिर इट्स वेरी इजी, तो कहीं भी आपको ये इट्स मिलता है तो समझ जाइए ये इट इज है। राइट, या फिर ये इट्स जो है इट हैज के लिए भी यूज होता है, उसको पहचानेंगे कैसे। देखिए एक अगला सेंटेंस मैं आपको लिख करके बताता हूँ, मान के चलिए आप इस चीज को पढ़िए, इट हैज बिन 2 आवर्स, 2 घंटे हो चुके हैं, इट हैज बिन 2 आवर्स, कई जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, या कोई व्यक्ति बोल भी सकता है इट्स बिन 2 आवर्स, इट्स बिन 2 आवर्स। तो पता कैसे चलेगा, बीन से आपको समझ जाना पड़ेगा कि बीन वगैरह कहाँ यूज होता है, हैज बीन हैव बीन के साथ यूज होता है, तो ये हैज है। सो इट हैज बीन 2 आवर्स यानी 2 घंटे हो चुके हैं, या इट्स बिन 2 आवर्स। राइट, इट्स वेरी इजी या फिर इट इज वेरी इजी, ये 2 चीजों का शॉर्ट फॉर्म है, वो खुद से समझ आ जाता है। अब ये वाला जो इट्स है, देखिए इसका बिल्कुल बेसिक सा मतलब होता है इसका या उसका, सिंपल बिना कॉमा के इसका या उसका। जैसे एक सेंटेंस बोल करके देखिए, द कैट इज लिकिंग इट्स लेग, बिल्ली अपना पैर चाट रही है, द कैट इज लिकिंग इट्स लेग, इसमें कॉमा नहीं है तो इसका या उसका, अपना चाट रही है, द कैट इज लिकिंग इट्स लेग। एक और कॉमन सी बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम जानवरों की बात करते हैं तो हिज हर वगैरह यूज नहीं करते हैं, सीधा इट्स यूज कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको पता ही होगी। नाउ अगले सेंटेंस में आप यूज करके देख लीजिए, इट्स बैटरी इज डाउन। मान के चलिए किसी ने मुझसे मोबाइल मांगा, अब मैं उसे कह सकता हूँ इट्स बैटरी इज डाउन, प्रोनंसिएशन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इट्स ये वाला कहीं भी आप देखते हैं तो इसका मतलब है इसका या उसका, और कॉमा के साथ देखते हैं सो इट इज डाउन या फिर इट इज ब्रोकन। अगर ये कहते हैं इट्स ब्रोकन, राइट, तो समझ जाना है इट इज ब्रोकन। राइट, सो लेट्स गेट बैक टू आवर स्टोरी, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एज यू नो इट्स द मंथ ऑफ रमजान, रमजान का महीना चल रहा है और हमारी बेटी केवल 9 साल की है, हमारी बेटी केवल 9 साल की है। देखिए एज बताने के लिए थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा, एज बताने का एक तरीका होता है। देखिए नॉर्मल तरीके से आप कह सकते हैं अ डॉटर इज ओनली 9, देखिए इसमें हमने इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है, अ डॉटर इज ओनली 9। जब भी आप एज बताते हैं तो या तो आप नंबर पे सेंटेंस को खत्म कर दीजिए, मान के चलिए मुझसे कोई पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, मैं कह सकता हूँ आई एम 30। राइट, अगर हम इयर्स वर्ड यूज कर लेंगे तो हम इसके अंदर बोल लेंगे आई एम 30 years old, ईयर्स के साथ ओल्ड लगाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है तो सेंटेंस बिल्कुल नेचुरल साउंड करेगा, या फिर आप नंबर पे एंड कर दीजिए। मान के चलिए आपसे मैं पूछूं हाउ ओल्ड आर यू, तो आप एज कैसे बताएंगे, जो भी आपकी एज है आप कह सकते हैं आई एम 20, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप 20 साल के हैं, या फिर आप कहेंगे आई एम 20 years old। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि अ डॉटर इज ओनली 9, हमारी बेटी केवल 9 साल की, लाइए इसको पूरा ही कर लेते हैं, हमारी बेटी केवल 9 साल की है और वो रोजा रखने की जिद कर रही है। अब जब जिद करने की बात आती है तो इंसिस्ट ऑन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि आईएनजी कहां पर फिट होगा कौन से वर्ड के साथ। दोनों तरीके से देखिए, देखिए एंड शी इज इंसिस्टिंग ऑन फास्टिंग, इंसिस्ट ऑन अपने आप में एक वर्ड समझ लीजिए आप, वो जिद कर रही है, शी इज इंसिस्टिंग ऑन, और आईएनजी लगा दिया जाएगा जिस काम के लिए जिद करी जा रही है। सो आवर डॉटर इज ओनली 9 एंड शी इज इंसिस्टिंग ऑन फास्टिंग। आप इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल के देखिए, आवर डॉटर इज ओनली 9 एंड शी इज इंसिस्टिंग ऑन कीपिंग फास्ट, तो इंसिस्ट ऑन के बाद जो वर्ड आएगा उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, एज यू नो इट्स मंथ ऑफ रमजान एंड आवर डॉटर इज ओनली 9 एंड शी इज इंसिस्टिंग ऑन कीपिंग फास्ट, या फिर शी इज इंसिस्टिंग ऑन फास्टिंग, वो रोजा रखने की जिद कर रही है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए ट्रांसलेशन नहीं करना है, अब मैं डर रहा हूं कि ये पूरे दिन भूखी प्यासी कैसे रहेगी।
मैं डर रहा हूं कि ये पूरा दिन भूखी प्यासी कैसे रहेगी। सी आई एम वॉरिड, मुझे डर लग रहा है, मैं डरा हुआ हूँ। डर वाला सेंटेंस अपने तरीके से ही बोला जाता है। सो हर सेंटेंस को एक ही सेशन में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। 200 से ज़्यादा वीडियोस, 250 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं हमारे चैनल पे। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, कई कई बार अलग अलग सिचुएशंस में हमने एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को एक्सप्लोर करिएगा। 10-20 वीडियोस देखेंगे 10-10 मिनट के, तो ट्रांसलेशन की आदत छूट जाएगी, लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ आने लग जाएगा आपको। राइट, सो आई एम वरीड, यानी कि मुझे चिंता हो रही है। हाउ शी विल मैनेज विदाउट फूड एंड वाटर ऑल डे। देखिए यहाँ पर एक, कल भी हमने शायद डिस्कस किया था कल के सेशन में, देखिए कुछ एक सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन जैसा साउंड करते हैं। ये पूरे दिन भूखी प्यासी कैसे रहेगी, हालांकि हम पूछ नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं डर रहा हूं कि पूरा दिन भूखी प्यासी कैसे रहेगी। तो हाउ शी विल मैनेज, हाउ विल शी मैनेज नहीं कहेंगे, हाउ विल शी मैनेज विदाउट फूड एंड वाटर ऑल डे, तो क्वेश्चन हो गया। सो आई एम वरीड, हाउ शी विल मैनेज विदाउट फूड एंड वाटर ऑल डे। मैं डर रहा हूँ, आई एम वरीड, हाउ शी विल मैनेज विदाउट फूड एंड वाटर ऑल डे, पूरा दिन कैसे मैनेज करेगी। नाउ कहीं इसके शरीर में पानी की कमी हो गई तो बीमार ना पड़ जाए। अब देखिए कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं, सिचुएशन समझनी है, किस सिचुएशन में कहा जा रहा है। यहाँ पे भी चिंता जता रहा हूँ मैं, राइट, यहाँ भी चिंता है, कहीं शरीर में पानी की कमी हो गई तो बीमार ना पड़ जाए। सी आई वरीड, मुझे फिर से चिंता हो रही है। शी माइट गेट डिहाइड्रेटेड एंड फॉल इल, शी माइट गेट डिहाइड्रेटेड एंड फॉल इल। देखिए एक्चुअल में क्या है ना, इंग्लिश को सीखने का बेस्ट तरीका बस यही है, यू जस्ट नीड टू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन, जितना हो सके सुनते चले जाइए और इनको साथ के साथ रिपीट करते चले जाइए। ये साउंड्स आपको ऑटोमेटिकली सिचुएशन में याद हो जाएंगे। और इसको सीखने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक्चुअल में अकेले प्रैक्टिस करने से बहुत दिक्कत आती है। अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक सेंटेंस हिंदी में सोचते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं। आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। जब आप रियल लाइव प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरल इंग्लिश निकल के आएगी कि इस सिचुएशन में क्या कहना है, राइट। हिंदी दिमाग में नहीं आएगी उस वक्त। तो ग्रुप में 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके साथ आप पूरा दिन चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं। तो सबके पास गूगल मीट है, जूम है, तो लोग अपने अपने 4-5 लोग मीटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, तो पता चलता है कि मैं कितनी इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, कितना अटक रहा हूँ और कितना ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, कितनी बातों को नेचुरली रिप्लाई कर रहा हूँ, राइट। ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो ब्रॉड इंग्लिश पता चलती है, एक बात को कहने के नए नए तरीके पता चलते हैं। कोई बेसिक इंग्लिश के हिसाब से बोल देता है, कोई उस चीज़ को और ज़्यादा इफेक्टिवली बोलता है, कोई ईडियम फ्रेज वगैरह यूज़ करता है, तो ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी, प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको मिल जाएंगे। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती है तो वहाँ पे भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे लोग अपने अपने सेंटेंसेस, ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह पूछते हैं, डाउट्स वगैरह होते हैं जो, तो उनमें 1.5-2 घंटा रोजाना जब आप एक सेशन में बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, उनकी ग्रामर, लॉजिक, स्ट्रक्चर, यूसेज साथ साथ समझेंगे, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वॉन्ट टू स्पीक। ओके, सारा का सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, तो यहाँ पे आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। ओके, फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, छोटा सा अमाउंट है, मोस्ट वेलकम है आपका लाइव क्लासेस में आइए। ओके, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ, क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे हैं। अब देखिए आई एम वॉरिड शी माइट गेट डिहाइड्रेटेड एंड फॉल इल, मुझे डर है कि ये डिहाइड्रेट हो सकती है और बीमार पड़ सकती है। इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल करके देख लीजिए, आई एम वॉरिड, मुझे डर है, आई एम वॉरिड शी माइट फॉल इल ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी से। आई एम वॉरिड शी माइट फॉल इल ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर इन अ बॉडी, राइट, क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे हैं। अब यहाँ पर एक दो सेंटेंस और बोलने हैं, क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे हैं, बिकॉज हर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, प्रोग्रेस बता रहे हैं, कोई काम हो रहा है, हर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, इसके एग्जाम चल रहे हैं और इसने जिद करके पहला रोजा तो रख लिया लेकिन अब सारे रखना चाहती है। जो पहला था परसों, इसने जिद करके पहला रोजा तो रख लिया लेकिन अब सारे रखना चाहती है। सो इसने जिद करके रख लिया, लिटरल इसी लहजे में नहीं बोलना है, इसने क्या किया, शी इंसिस्टेड, देखिए तोड़ देना होता है ऐसी कंडीशन में सेंटेंस को, शी इंसिस्टेड एंड कैप्ट हर फर्स्ट फास्ट, शी इंसिस्टेड एंड कैप्ट हर फर्स्ट फास्ट, या फिर शी इंसिस्टेड एंड फास्टेड ऑन फर्स्ट डे, राइट। तो तोड़ देना होता है इस लहजे में, सेम टू सेम इस वर्ड ऑर्डर में हमको ट्रांसलेट नहीं करना है। सो हर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन एंड शी इंसिस्टेड एंड कैप्ट हर फर्स्ट फास्ट एंड नाउ शी वॉन्ट्स टू फास्ट एवरी डे,
अब ये सारे रोजे रखना चाहती है, नाउ शी वॉन्ट्स टू फास्ट एवरी डे, रोजाना रखना चाहती है। तो एक्चुअल में क्या है ना कि आपको लिटरल वर्ड ऑर्डर को छोड़ करके सिचुएशन घुमा फिरा के सेंटेंस बोलने की आदत डालनी है, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है। अगले सेंटेंस पे आप ट्राई करिए, आपके ऊपर है समझ नहीं आ रहा क्या कर, राइट। अब इसको घुमा फिरा के इस मैसेज को आप पहुंचाने की कोशिश करिए। ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इस बात को कम से कम 20 तरीके से कहा जा सकता है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखिए कितने तरीके हैं हमारे पास, आप भी कोशिश करिएगा, अपना सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर कोई माइंड में आता है तो। इस सिचुएशन के लिए जब आप कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई शुड डू, राइट, या फिर आई एम कंफ्यूज व्हाट आई शुड डू, आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट, आई एम नॉट श्योर वट टू डू अबाउट इट, गेटिंग माई पॉइंट। ये सारी की सारी चीजें कहाँ कही जाती हैं, जहां पर हम कंफ्यूज होते हैं। तो ये सारी की सारी सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है, ये सीखने के लिए एटमोसफियर में होना बहुत जरूरी है, जहां पे लोग इंग्लिश बोल रहे हो। तो ग्रुप में आ जाएंगे, वहां पर पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, काफी लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो एनहेंसमेंट होते चले जाएंगे, ऑल्टरनेट्स पता चलते चले जाएंगे, पता चल जाएगा हाउ द इंग्लिश इज स्पोकन नेचुरली, राइट। सो आप बताओ क्या 9 साल के बच्चे को रोजा रखने दूं या नहीं, आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अभी इंग्लिश में मैं पहले पूछ लेता हूँ, आप बताओ क्या 9 साल के बच्चे को रोजा रखने दें या नहीं। तो यू सजेस्ट, देखिए एक ये अक्सर गलती होती है, इसको बड़े गौर से समझिएगा, यू सजेस्ट टू मी, आप मुझे बताएं, अगर हम इतना यहाँ पर ये कह देंगे यू सजेस्ट मी तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। यू सजेस्ट टू मी, आप मुझे बताइए शुड आई अलाउ अ 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड टू फास्ट और नॉट, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं ना मैं। सो शुड आई अलाउ ए 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड टू फास्ट और नॉट, राइट, या फिर इस चीज को 9 ईयर ओल्ड हटा दें, यू सजेस्ट टू मी, आप मुझको बताइए शुड आई अलाउ ए 9 ईयर टू फास्ट और नॉट, राइट। अब देखिए ये सजेस्ट वाले सेंटेंस पर दोबारा आते हैं। देखिए मान के चलिए मैं आपसे कहूं कि आई सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस एवरी डे, आई सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस एवरी डे, ये सुनने में तो सही लगता है लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। आई सजेस्ट टू यू टू प्रैक्टिस एवरी डे, टू लगाएंगे ये एक फॉर्मल तरीका हो गया, लेकिन आप एक आदत डाल लीजिए, जब भी आप सजेस्ट के साथ एक वर्ड यूज कर रहे हैं सेंटेंस में बोल रहे हैं तो आप दैट लगाना शुरू कर दीजिए। आई सजेस्ट दैट यू प्रैक्टिस एवरी डे, आई सजेस्ट दैट यू गो टू द पार्टी, गेटिंग माई पॉइंट, सजेस्ट के साथ दैट यूज कर लिया करें, या फिर सजेस्ट टू यू, जिसको भी सजेस्ट कर रहे हैं सजेस्टिंग टू हिम और हर, राइट। सो ये वैसे भी हम अपने कई सारे सेशंस में ऑलरेडी कई बार डीपली कई सारे सेंटेंस एग्जांपल्स के साथ समझ चुके हैं। तो पहली बार अगर वीडियो आपने देखा है तो आप और सारे वीडियोस देखना शुरू करें, फ्लुएंसी आती चली जाएगी। लाइव क्लासेस में आइए, मोस्ट वेलकम है आपका, 15-20 दिन में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश द वे यू वॉन्ट टू स्पीक, ओके। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।